सीमेंट के, बात करने के लिए रिजल्ट्स पे और आगे आने वाले ट्रेंड्स पे अथॉरिटी हैं वो सब्जेक्ट पे। बांगर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे कंपनी के बारे में नहीं, एक सेक्टर के बारे में ये जानना चाहूँगा। एक व्यू ये निकल के आ रहा है कि ये जो क्वार्टर जिसके नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो रॉ मटेरियल प्रेशर्स के मामले में वर्स्ट क्वार्टर है। इसके बाद यहाँ से ईजिंग रॉ मटेरियल के फायदे दिखने लगेंगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में। क्या आप इस हाइपोथेसिस से अग्री करते हैं? पूरी तरह से एग्री करता हूँ। ये वर्स्ट क्वार्टर था और ये इसी साल का नहीं, लास्ट 10 साल का करीब करीब 30-40 क्वार्टर में इससे खराब सीमेंट इंडस्ट्री का, क्योंकि रॉ मटेरियल माने फ्यूल के दाम इंटरनेशनली यूक्रेन वॉर एंड ऑल अदर थिंग्स के कारण काफी बढ़ गए और कॉस्ट इंक्रीज मार्केट में बिल्कुल पास ऑन नहीं हो सका। जब इस तरह का सडन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो मार्केट में पास होने में करीब करीब 1.5-2 क्वार्टर लग जाता है, 4 से 6 महीना लगता है पास होने में ये कॉस्ट। तो अब वो करीब करीब समय हो गया, कॉस्ट भी पास आउट होगा और फेस्टिव सीजन के बाद में डिमांड भी बहुत अच्छी आएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, प्राइस भी बढ़ेंगे और कॉस्टिंग भी कुछ कम होगी, क्योंकि तो जो पीक प्राइस था उससे करीब करीब 20% कोयले का और पेट्रोलियम कोक का दाम कुछ कुछ गिरा है। तो मैं इस सहमत आपकी हाइपोथेसिस से पूरी तरह से सहमत हूं। बांगर साहब, इनफैक्ट आप देखिए, आपके रिजल्ट्स के बाद भी आज सुबह गैप डाउन पे खुला था आपका स्टॉक और काफ़ी अच्छी रिकवरी वहाँ पे भी नज़र आ रही है। आपकी कमेंट्री बाज़ार इससे इत्तिफाक रखता है। मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा डिमांड में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के डिमांड तो काफ़ी अच्छी दिख रही है जो आप सीमेंट के साथ बिकता है, जैसे कि टाइल्स की डिमांड वापस आ गई है, पेंट्स की डिमांड वापस आ गई है। क्या सीमेंट में भी आपको डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है वॉल्यूम्स पे? एकदम डिमांड इंक्रीज होगी। हर साल करीब करीब दिवाली के 10 दिन तक फेस्टिवल सीजन चलता है, गुजरात में लापंचम, बिहार में छठ तक पूजा और जगह जगह राजस्थान में गोपाष्टमी। करीब करीब 10 तारीख सर, अब अगला सवाल मार्जिन को लेकर होगा फिर इस ये तिमाही। जी, ये तिमाही तो कमजोर थी सर, मार्जिन के फ्रंट पर भी हमने देखा। अब दूसरी छमाही से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्जिन के नंबर्स यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? छमाही है जो डेफिनेटली बेटर होगी और ये जो क्वार्टर है जो अभी जो चल रहा है ये भी, क्योंकि जैसा मैंने बोला 15 नवंबर के बाद 10 नवंबर के बाद बहुत अच्छा रहना चाहिए, पर करीब करीब कुछ क्वार्टर का पार्ट खराब गया तो ये क्वार्टर पहले क्वार्टर से बेटर रहेगा और फोर्थ क्वार्टर है जो बहुत अच्छा रहना चाहिए। सर, ये सीमेंट सेक्टर में अब इस वक्त कंपटीशन आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी बड़े प्लेयर इसमें रुझान दिखा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, एक बड़े लेवल पर हम देख रहे हैं कि M&A भी चल रहे हैं, तो ये पूरा सिनेरियो पर क्या व्यू बन रहा है आपका एंड गोइंग फॉरवर्ड कॉम्पिटिशन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक जो एक फॉरेन प्लेयर ने अपनी एसेट बेची और एक इंडियन प्लेयर ने ली, तो जहां तक कंसोलिडेशन का सवाल है, दोनों ही बड़े प्लेयर हैं और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बाहर बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी, तो अभी तक तो सीमेंट इंडस्ट्री में हम लोगों को कोई ज्यादा कंसोलिडेशन या ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है। ये जरूर बात है कि पुराने जो थे मल्टीनेशनल, उनका ग्रोथ का फोकस इतना बड़ा नहीं था जितना नए प्लेयर का है, तो इंडिया में सीमेंट की डिमांड भी काफी बढ़ेगी। 8 से 10 साल में सीमेंट डिमांड हमारी डबल हो जाएगी, तो कैपेसिटी तो नीडेड भी है। बिल्कुल मिस्टर बांगो, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए अपना कीमती, और नतीजों पर और कंपनी के आगे के आउटलुक पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।